नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर सेकंड है, अध्याय दो है, जो कि राजस्व मंडल के बारे में प्रावधान करता है, रेवेन्यू बोर्ड के संबंध में प्रावधान करता है। तो इस चैप्टर में एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एमपीसीजे के एग्जाम के लिए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर सेकंड है, अध्याय दो है, यह राजस्व मंडल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के संबंध में प्रावधान करता है। इस चैप्टर में जो है टोटल 8 सेक्शंस हैं, 8 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत जो है धारा 3 से लेकर धारा 10 तक की धाराएं शामिल हैं। अब इसमें कहा क्या गया है, बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये जाने कि इस चैप्टर से जो है प्रीलिम्स एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं और मेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। तो देखते हैं क्या कहती हैं ये सेक्शंस। तो सबसे पहले देखेंगे धारा 3, यह कहती है राजस्व मंडल का गठन। तो यहां पर आपको यह सेक्शन सहित ध्यान रखना है, इसका ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। राजस्व मंडल का गठन जो है किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो धारा 3 में जो है राजस्व मंडल के गठन के संबंध में प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार जो है राजस्व मंडल का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक सदस्य होंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्व मंडल में जो है कम से कम कितने सदस्य होंगे या राजस्व मंडल का जो है कैसे गठन होगा। तो एक अध्यक्ष और दो या दो से अधिक सदस्य जो है इसमें जो है स्थापित किए जा सकते हैं, इनको मिलाकर जो है राजस्व मंडल का गठन किया जा सकता है। अब कितने सदस्य हो सकते हैं दो से ज्यादा, यह राज्य सरकार तय करती है। राज्य सरकार जो भी है कि भाई दो सदस्य, चार सदस्य, आठ सदस्य, जितना चाहे उतना नियुक्त कर ले। पर एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखिएगा कि इसमें कम से कम जो है एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक सदस्य से मिलकर जो है राजस्व मंडल का गठन किया जाएगा। अब इसके बाद जो धारा 4 है, सेक्शन 4 है, यह बताती है राजस्व मंडल का प्रधान स्थान तथा उनकी बैठकों के लिए अन्य स्थान। तो ये सब सेक्शन है, यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री के लिए। अब इसमें जो है राजस्व मंडल का प्रधान स्थान कहां पर होगा, तो इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, वहां पर जो है राजस्व मंडल का जो है प्रधान स्थान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 10 जून 1960 मतलब 10 जून 1960 के द्वारा जो है ग्वालियर को जो है यहां पर प्रधान स्थान के रूप में जो है नियत किया गया है। मतलब कि क्वेश्चन आए कि राजस्व मंडल का प्रधान स्थान कहां पर स्थित है, तो आप लिखिए बताइएगा ग्वालियर में स्थित है। अब इसके बाद इसमें जो है 2018 में संशोधन किया गया है कि जो राजस्व मंडल है यह अपनी जो अन्य बैठकें, मतलब राजस्व मंडल अपनी बैठकें जो है कहां कहां पर कर सकता है, तो इसके बारे में विभिन्न विभिन्न अधिसूचना द्वारा जो है राज्य सरकार ने विभिन्न विभिन्न जगह पर जो है इसकी बैठक की अरेंजमेंट की है। अब यहां पर संशोधन क्या हुआ है 2018 में, तो ध्यान रखिएगा कि संशोधन से पहले जो है राजस्व मंडल की अन्य बैठकों के संबंध में जो स्थान नियत करने की शक्ति जो थी, यह मंडल के अध्यक्ष के पास थी राज्य सरकार से जो है अनुमति से। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि राज्य सरकार की अनुमति से जो मंडल का अध्यक्ष है यह नियत कर सकता था कहां कहां पर जो है मंडल की अन्य जो है बैठे या कह सकते हैं जो है ब्रांचेस जो है बना सकता था। लेकिन संशोधन के बाद जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब वर्तमान में राज्य सरकार को यह अधिकारता है कि राज्य सरकार नियत करे कि कहां कहां पर राजस्व मंडल की बैठकें जो है की जा सकेगी। लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने से पहले जो है यह रेवेन्यू बोर्ड राजस्व मंडल के अध्यक्ष से जो है सलाह लेगा और उसकी सलाह के अनुसार, उसके परामर्श के पश्चात जो है राज्य सरकार ऐसे विभिन्न जिलों में जो है राजस्व मंडल की बैठकों के लिए अरेंजमेंट कर सकता है। तो इसको आप यहां पर ध्यान रखिएगा, प्री के लिए जो है, प्रीलिम्स के लिए जो है, ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 5, यह प्रावधान करती है मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें। तो जो भी सेवा शर्तें हैं वह राज्य सरकार तय करे, जो भी राज्य सरकार जो है उसको कंडीशंस जो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्व मंडल के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति के क्वालिफिकेशन, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। तो क्या क्वालिफिकेशन होगी, तो सबसे पहले नंबर पर क्वालिफिकेशन क्या होगी कि भाई
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो हाईकोर्ट में जस्टिस के लिए, हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए पात्र व्यक्ति हो, उसको जो है राजस्व मंडल का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद अगली योग्यता है, मतलब कि या तो ये योग्यता पूरी करता हो, और दूसरी योग्यता क्या है, राजस्व अधिकारी रह चुका हो, मतलब ऐसा व्यक्ति रिवेन्यू ऑफिसर रह चुका हो, और कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी पर कम से कम 5 वर्ष तक जो है उसने ऐसा पद धारण किया हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कलेक्टर से निम्न पद श्रेणी, मतलब कम से कम कलेक्टर की पद श्रेणी पर तो रहा ही हो, 5 साल तक उसने जो है सेवा की हो, 5 साल तक उस पद पर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है राजस्व मंडल का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। तो सेक्शन 5 में जो है यही सारी बातें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और यही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 6 धारा 6 जो है यह मंडल के अध्यक्ष सदस्य के वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान करता है, सैलरी एंड अलाउंसेस के संबंध में प्रावधान करता है। तो यहां पर जो है ये वेतन भत्ते तय करना, सैलरी अलाउंस तय करना, ये अधिकारता जो है राज्य सरकार की है। राज्य सरकार तय करेगी कि वह मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कितना वेतन देगा। लेकिन एक बार जो तय हो जाता है तो वो जो वेतन है वह जो राज्य की संचित निधि है, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, यह इस पर भारित होता है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो है राजस्व मंडल के अध्यक्ष सदस्य का वेतन जो है यह किस पर भारित होता है, किस जो है फंड पर भारित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में संचित निधि और इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उसके अंतर्गत जो है यह इसके सैलरी और अलाउंसेस भारित होंगे। तो यहां पर यह बातें हैं। अब इसके बाद सेक्शन 7 जो है इसमें बताया गया है राजस्व मंडल की अधिकारता। तो यहां पर मोटे रूप में समझ लीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जो भी विनिर्दिष्ट करे, जो भी उनको अधिकारता दे, जिन जिन मामलों की अधिकारता दे, उन उन सब मामलों में राजस्व मंडल अधिकारता रखेगा, उन मामलों को देखेगा। अब इसके बाद जो है सेक्शन 8 जो है यह बताती है राजस्व मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां। तो देखिए यहां पर भी जो है राज्य सरकार को जो है अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार जो है इनको अधीक्षण करने की शक्तियां दे सकती है। सामान्यतः यह जो मंडल है यह रिवीजन और रिव्यू के साथ साथ जो है अपनी अधीनस्थ न्यायालयों या अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनके ऊपर अधीक्षण रखने की शक्तियां रखता है। तो यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया है और जो है ना ही आ सकेगा। तो इसको आप इस तरह से केवल दिमाग में बैठा लीजिए, आ जाए तो गलत भी ना करें। अब इसके बाद अगला हम देखें सेक्शन 9। यह प्रावधान करता है एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा अधिकारता का प्रयोग। अब देखिए क्या होता है कि राजस्व मंडल के अंतर्गत जो है जो बोर्ड निर्मित किए जाते हैं उसमें एक मेंबर भी हो सकता है, एक से अधिक मेंबर भी हो सकते हैं। ये सब कुछ जो है राजस्व मंडल जो है अपनी न्यायपीठों का गठन कर सकता है, इसको जो है अपनी न्यायपीठ गठन करने की अधिकारता है कि वह एक सदस्यीय न्यायपीठ गठन कर सकता है या फिर बहुसदस्यीय न्यायपीठों का गठन कर सकता है और मामलों को विचारित कर सकता है। तो यहां पर भी जो है केवल ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो अगर आ जाए तो आप सही कर पाएंगे। अब इसके बाद जो इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन है सेक्शन 10, यह प्रावधान करती है इस संहिता के प्रारंभ होने के समय लंबित मामले। तो देखिए यह संहिता जो है 2 अक्टूबर 1959 से प्रवृत्त हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके पहले भी जो है ऐसे कई सारे मामले चल रहे होंगे जो कि उस वक्त के रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष लंबित होंगे। तो इस संहिता के लागू होने के बाद धारा 10 के अनुसार जो है वे सभी मामले जो है अब किसके द्वारा विचारित किए जाएंगे, किसके द्वारा सुने जाएंगे। तो इसके लिए सेक्शन 10 में बताया गया कि जो अब राजस्व मंडल का गठन किया गया है, जो राजस्व मंडल वर्तमान में है, उसके द्वारा जो है ऐसे मामलों, ऐसे लंबित मामलों का जो है विचारण किया जाएगा, ऐसे लंबित मामलों को जो है निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में चैप्टर 2 में जो है राजस्व मंडल के बारे में प्रावधान है, टोटल 8 धारा है। जितनी बातें हमने आपको यहां पर अभी बतलाई इतने में से जो है पूरा एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। मित्रों इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।